हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रशांत सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी स्पोक आर देयर इन दी चरखा, जो व्हील है हमारा उसमें कितने स्पोक हैं? तो देखो भाई, ये तो सबको पता ही होगा, 24 है। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ से काउंट कर लें और चाहे तो हम इसको वैसे ही लर्न कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। अब देखो, हमारे नेशनल फ्लैग हमेशा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो वो इसी में रहेगा, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ओके, तो इसको बोलेंगे 2:3, कभी भी ऐसा भी लिखा होता 3:2। ठीक है, बट वो नहीं हमने एक्सेप्ट करना, सिर्फ यही इसका आंसर है। ओके, चाहे जितना मर्जी, जैसे सीपी पे जाओ या इधर बाघा बॉर्डर पे जाओ तो वहाँ पे भी आपको ऐसा ही मिलेगा, बट चाहे छोटा हो चाहे हमारा फ्लैग बहुत अधिक बड़ा हो, बट वो इसी रेशियो में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अवर चरखा, चरखा का जो व्हील है उसका कलर क्या है? देखो, हमें फ्लैग का तो हमें पता ही है व्हील का। ठीक है, ये नेवी ब्लू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वॉज अडेप्टेड ऑन, जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो कब अडॉप्ट किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। देखो, हम आज़ाद तो हो गए थे 1947 में, बट जैसे तुम्हें पता ही है जो इलेक्शन हुए 1952 में हुए, इससे पहले 1950 में काफ़ी सारे इवेंट हुए, मतलब धीरे धीरे धीरे। ठीक है, एकदम से गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई, इंटरिम गवर्नमेंट हो गई थी। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट वो बस ऐसे ही थी, उसके भी इलेक्शन हुए थे। ठीक है, उसके भी इलेक्शन हुए थे। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया फर्स्ट संग, देखो पहले, सबसे पहले 1911 में, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक मीटिंग में गाया था। ठीक है, मीटिंग क्या थी, वो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी कोलकाता में, तब उन्होंने ये गाया था। कई लोग ये भी बोलते हैं कि वो जो जब चार्ल्स फाइव आया था तो वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले उनके वेलकम के लिए गाया गया था, और उसकी कोई क्लियरिटी नहीं है क्योंकि इतनी सारी फेक न्यूज़ हैं, ये पता लगा पाना मुश्किल है कि इन्होंने एक्चुअल में क्या किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, अब जो नेशनल सॉन्ग हमारे इंडिया का है वो किसने कंपोज किया था? तो भाई ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका बुक का नाम था आनंद मठ। ठीक है, उस बुक में था क्या, बेसिकली सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में बताया गया था कि किस तरह से ब्रिटिश के अगेंस्ट जो भारत के साधु सन्यासी हैं उन्होंने रिवॉल्ट किया था, और उसी बुक में इन्होंने ये सॉन्ग भी लिखा था जिसको हम वंदे मातरम इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ इंडियाज नेशनल एनिमल एंड फ्लावर, अब इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है और फ्लावर क्या है? ठीक है, तो भाई हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है और फ्लावर लोटस है। ठीक है, हो गया। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अगर तुम इसको लर्न भी कर लोगे तब भी इसका आंसर निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, वो किस तरीके से, देखो अब यहाँ पे लिखा हु वॉज द फर्स्ट वुमेन। ठीक है, अब फर्स्ट अगर वुमेन आएगा इंडियन नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो वो आएगा एनी बेसेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो फिर यहाँ पे आना था सरोजनी नायडू, वो भी प्रेसिडेंट बने थे, पहले एनी बेसेंट बने जो कि बाहर के थे, इंडिया के नहीं थे, यूरोपियन कंट्रीज के थे, स्वीडिश वगैरह के। ठीक है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था थियोसोफिकल सोसाइटी, उससे भी जुड़े हुए थे, जिसका हेडक्वार्टर पहले तो न्यूयॉर्क में था, अभी हमारे चेन्नई में है। ठीक है, अब वहाँ पे कोई इतना उसको मानता नहीं ना, ये है एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने इंडिया में काफ़ी रेवोल्यूशन मतलब मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, इंडियंस को बोला कि तुम ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोला बट इनडायरेक्टली। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, अब भाई इंडिया में सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन बना, तो देखो ये आएगा मिस लीला सेठ। ठीक है, ये दिल्ली में बनी थी, दिल्ली की जो हाई कोर्ट है उसमें चीफ जज, और इसके अलावा जो यहाँ पे फातिमा बीबी दिया हुआ, इनका भी काम ये भी जुडिशरी से ही रिलेटेड है, बट ये क्या थी, इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी। ठीक है, और अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, ये तो अलग है, ये फर्स्ट आईएएस थी वुमेन। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, भाई ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट सबसे पहले एक तो, ठीक है, इंडिया ने, इंडिया से किसने क्लेम किया, ठीक है, और कौन सबसे पहले गया, ये वो सारा लर्न कर लेना। ठीक है, हर साल इसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है।
हो सकता है कि भाई सिलेक्ट होने के बाद तुम लोग को भी ऐसे लेके जाया करें। हम जाते हैं वैसे, आरईएमसी के बच्चे जाते हैं, ठीक है, बाकियों का मुझे पता नहीं, मे बी उनको भी ले जाते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, अब ये देखते हैं, हाँ इसका आंसर ये है, ठीक है, नंबर ए नवांग गोम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और इसमें और भी दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, वो भी कर लेना, ठीक है। फ्रॉम वेयर हैज़ द डिज़ाइन ऑफ द व्हील ऑन वाइट बैंड, और वही है जो ऊपर चरखा बना था, वो हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। तो भाई सारनाथ में, ऑफ सारनाथ लॉयन, कैपिटल ऑफ अशोका, ठीक है, सारनाथ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द साइज ऑफ थ्री हॉरिजन स्ट्रिप ऑफ द नेशनल फ्लैग। अब कहता है भाई जो नेशनल फ्लैग है उनका ये ऊपर वाला, इनमें इनका साइज क्या है, इसका इसका इसका, तो ऑब्वियसली बात है भाई कोई अलग नहीं है, इसमें सिर्फ रेशियो होता है और साइज सभी का बराबर होता है। ये जो है ना ग्रीन वाले, इसका और इसका बराबर होगा ना, ये कम अधिक थोड़ी ना हो सकता है, ऊपर नीचे भी नहीं होगा। कई बार क्या होता है लोग उल्टा फ्लैग लगा लेते हैं, ये ऊपर कर लेते हैं ये नीचे कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमारा नेशनल फ्लैग है कैसा, बट लगाना होता है मतलब ऐसे दिखाने के लिए फेक नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट, अब ये तो हो गया ना, ऑल द थ्री स्ट्रिप आर इक्वल इन साइज, ठीक है, ओके। जिन वर्ड्स का मीनिंग नहीं आता उनको अलग से लिख के, ठीक है, उनका हिंदी में मतलब लिख के कॉपी में नोट कर लेना और फिर रोज पढ़ना। जीके के साथ एक ये भी चीज़ होती है कि बच्चों को बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते, तो तुम साथ साथ में लिख के लर्न करते रहो, ये बार बार थोड़ी ना लर्न करने, एक बार कर लिया बस खत्म काम। नेक्स्ट, अब नेशनल सॉन्ग इज जनगण मन अधिनायक या वंदे मातरम। यहाँ पे ये फोर्थ भी है बट ये या वंदे मातरम ही है ना, ठीक है, नेशनल सॉन्ग वो नेशनल एंथम है, जनगण मन अधिनायक। हु इज़ द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भाई देखो जो एंथम है वो तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था ना, ठीक है, और सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी बुक थी आनंदमठ और इनकी बुक थी, वैसे तो गीतांजलि थी जिसमें इनको नोबेल प्राइज़ मिला, और ये शायद उन्होंने इंडिपेंडेंट अलग ही लिखा था, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी पहले लिखा था, गीतांजलि उन्होंने बाद में बुक लिखी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज़ द फर्स्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ नेशनल कैलेंडर। भाई नेशनल कैलेंडर देखो तुम्हें पता है जो हम लोग यूज़ करते हैं ना अपने घरों में, जनवरी फरवरी, जिसमें दिसंबर में वो बनाते हैं क्रिसमस वगैरह, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं जॉर्जियन कैलेंडर। ओके, और जो हमारा कैलेंडर है इंडिया का वो है साका, ठीक है, साका संबद्ध, और उसके हिसाब से जो फर्स्ट मंथ है वो क्या होगा। अब देखो जो हमारा मंथ है ना फर्स्ट, वो मार्च में स्टार्ट होता है, ठीक है, वो भी 21 मार्च को, और 21 मार्च से 20 अप्रैल तक चलता है, ठीक है, साका ईरा के हिसाब से, और उसको जो सबसे पहला महीना है वो चैत है, ठीक है, चैत माओ फागुन बैसाख इस टाइप से चलते हैं ये, और मार्च से स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट मंथ, ठीक है। वेयर कैन बी चार मीनार सीन। अब देखो चार मीनार कहाँ पर है, ये हैदराबाद में आपको मिलेगी, ठीक है, इसको भी क्यों बनवाया गया था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेयर इज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। भाई इंडिया की सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी कोलकाता में है, ये क्वेश्चन में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है, ठीक है, इंडिया की बात करें तो कोलकाता में ही मिलेगा। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैंने देखो इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी वैसे तो न्यूयॉर्क में था, ठीक है, वहाँ से इसको हटा के आप लेके आए चेन्नई में, क्योंकि वहाँ के लोग तो काफ़ी रेशनल हो गए ना, वैसे कोई इसमें बिलीव नहीं करते, और ये बहुत पुरानी है 18 17 सेंचुरी की, ठीक है, तो इतनी पुराने इंस्टीट्यूशन को क्या ही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, ये आपको मिलेगा मुंबई में। ओके, यहाँ पे ऐसे कर दिया डबल ए डबल। चलो वेयर इज दी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। देखो भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है। अब होता क्या है कि जितने भी हमारे नोट वगैरह प्रिंट होते हैं ये सभी के सभी नासिक में प्रिंट होते हैं, ठीक है, करेंसी नोट एक ही है पूरे इंडिया में जहाँ भी ये प्रिंटिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोरल आइलैंड, ठीक है। अब भाई कोरल क्या होता है, देखो पहले तो कोरल समझ लो, इस टाइप की कोरल रीफ होती है। कोरल रीफ वो जगह होती है जहाँ पर जो पानी है उसके अंदर लाइट जाती हो, और लाइट जब नीचे पड़ती है तो नीचे क्या अच्छी मिट्टी होती है, उस मिट्टी में क्या होता है बहुत सारे ये फ्लावर वगैरह आ जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं कोरल रीफ।
दुनिया में सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो भी चीज़ें हैं उनके सामने बस ग्रेट लगा दो, ठीक है, ग्रेट आ गया तो समझ लो वो ऑस्ट्रेलिया में ही बिलोंग करती है। ओके, और जो ये इसका आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच सिटी द कंट्रीज लार्जेस्ट स्टेडियम लोकेटेड। ये बहुत ख़राब क्वेश्चन है क्योंकि भाई यहाँ पे बताया नहीं गया जो लार्जेस्ट स्टेडियम है वो सीट की कैपेसिटी वाइज है, एरिया वाइज है, किस तरह से लार्जेस्ट है। ठीक है, तो वैसे तो क्रिकेट के हिसाब से देखोगे तो भाई ईडन गार्डन को मान सकते हो, कोलकाता में है। ठीक है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सर्च किया कि भाई आपको एक क्लियर कट आंसर मिल जाए लार्जेस्ट स्टेडियम का, बट फिर भी नहीं मिला। ठीक है, कहीं पे बहुत अधिक सीटें हैं लोगों के बैठने की, तो वो भी लार्जेस्ट अपने आप को बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इधर से दिल्ली में है, ठीक है, और कहीं पे जगह बहुत अधिक है प्ले ग्राउंड, तो वो भी अपने आप को लार्जेस्ट बोल रहे हैं। विच इज़ दी लार्जेस्ट ऑरेंज ग्रोइंग स्टेट। अब भाई सबसे अधिक संतरे कहाँ पे होते हैं, देखो तुम्हें सबको पता है संतरे महाराष्ट्र नासिक। ठीक है, महाराष्ट्र से सबसे अधिक संतरे पाए जाते हैं, अभी हो रही है, बाद में पता नहीं, ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं इनकी प्रोडक्शन चेंज भी होती रहती है। ऐसा नहीं है जैसे अब शुगर है, गन्ने गन्ने की खेती है, तो कभी महाराष्ट्र में अच्छी होती है, कभी पंजाब में, कभी यूपी में, तो ये तीन स्टेट हैं, इन्हीं में कभी फर्स्ट आता, कभी कोई सेकेंड आता, कभी कोई थर्ड आता। ओके, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल। अच्छा, इसका भी आंसर ना क्लियर कट नहीं है, ये जो तीनों आंसर है इनमें से तो कोई भी नहीं है। पीटी उषा ने भी जीता था, ठीक है, ये तो इसने नहीं जीता था भाई, ये तो इंडिया का है ही नहीं, ये वैसे भी ये एथलेटिक में नहीं है। ठीक है, टेनिस खेलते हैं ये, तो इसका आंसर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब अगर एग्जाम में ऐसा हो तो क्या होगा, ये के एच है, ठीक है, कसाबा, और इसके आगे आएगा यहाँ पे डी बनेगा। ठीक है, दादा साहेब, और आगे आएगा जादव। ओके, तो जीके में कई क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी, मतलब कभी कभी आंसर भी गलत दिए होते हैं, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है भाई, इंडिया में 80% तो हिंदू ही हैं, ठीक है, बाकी वो 25-20% ये, ठीक है, बाकी सभी भी हैं, इनको भी काउंट करेंगे, पर मेजोरिटी यहाँ पे यही है, तो यहाँ पे यही पूछा था लार्जेस्ट। ठीक है, कम्युनिटी में क्या मेजोरिटी माइनॉरिटी होता है, कि जो लोग सबसे अधिक है वो मेजोरिटी में है, जो कम है वो माइनॉरिटी में है। ठीक है, इन विच स्टेट इज द लार्जेस्ट कैनाल लोकेटेड। भाई कैनाल होता क्या, नहर होती है। ठीक है, तालाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉन्ड। ठीक है, रिवर को नदी पता ही है, समुंदर को ओशन तो तुम्हें पता ही है, तो कैनाल होती है नहर, तो दुनिया इंडिया में सबसे बड़ी राजस्थान में है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट अंडरग्राउंड बाजार कंस्ट्रक्टेड। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट, अब देखो यहाँ पे इंडिया है, वर्ल्ड नहीं लिखा हो गया है, ठीक है, वर्ल्ड के हिसाब से तो कुछ और होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड पूरा मार्केट ही चल रहा होता है। इंडिया के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन इंडिया वाले दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन इंडिया से ही है। वेल, इसमें आंसर आएगा ए, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में एक जगह है कनॉल प्लेस, सीपी, तो वहाँ पे बहुत बड़ा बाजार नीचे वो राजीव चौक के नीचे बनाया हुआ है। ठीक, इन विच ईयर डिड ऑल इंडियन रेडियो बिगैन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगर तुम ये करना चाहो तो कर सकते हो, कि ये जो रेडियो है ये कब इंडिया में बिगेन हुआ, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, तो इसका आंसर रहेगा 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द सिटी वॉज द फर्स्ट मिल्क पाउडर प्लांट सेटअप। देखो तुम्हें पता ही है अमूल ने इंडिया में सबसे पहले मिल्क का स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अमूल की फुल फॉर्म ही यही है, आनंद महिंद्रा मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, और ये आनंद एक जगह का नाम है, ठीक, गुजरात में है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज डिजाइंड बाय द फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजियर। ठीक है, अब इन्होंने कौन सी सिटी डिज़ाइन की थी, देखो इंडिया में टोटल कुल मिला के एक ही सिटी है जो डिज़ाइंड है पूरे इंडिया में, ठीक है, और वो है चंडीगढ़। अब आप बोलोगे सर छोटी मोटी और सिटी के नाम ऐसे रखे होते हैं, बट वो कोई डिज़ाइंड नहीं है, बड़ी सारी सिटी हैं जो लोगों ने बनाई होती हैं पर वो वेल डिज़ाइन नहीं, जो प्रॉपर है वो यही है चंडीगढ़।
विच इज नोन एज द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया. गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे बोलेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बेंगलुरु. श्रीहरिकोटा इज फेमस फॉर, अब देखो तुम्हें भी पता है वैसे, श्रीहरिकोटा तो एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे हमने क्या किया, एक लॉन्चिंग पैड बनाया, लॉन्चिंग स्टेशन. अब लॉन्चिंग स्टेशन क्या होता है, जब हमें कोई भी जैसे अभी चंद्रयान है, मंगलयान है, और इसके अलावा भी, ये तो बड़े फेमस है, इसके अलावा भी हम रोज ही हर महीने या 3 महीने 4 महीने में एक बार सेटेलाइट लॉन्च करते रहते छोटी मोटी. ठीक है, तो वो श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च करते हैं. ठीक है, तो ये सेटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे तुम्हें पता ही है, मुंबई में है. ठीक है, रथ यात्रा इज ए मेजर फेस्टिवल या टेम्पल पुरी. ठीक है, वहाँ पे जो भी टेम्पल है, सन टेम्पल है, ये वो, वहाँ पे रथ यात्रा होती है पुरी में. ठीक है, गुरु बिजू महाराज इज मेंटोर ऑफ विच ऑफ द क्लासिकल. देखो ये जो कथक के हैं, ठीक है, इसमें एक बात याद रखने वाली है, ये कथक, ये कथकली. अब इस दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है. जो कथक है ये नॉर्थ इंडिया का डांस है, ठीक है, और कथकली ये आपको केरला में मिलेगा, केरला का क्लासिकल डांस है. तो इसको सिखाने वाले जो सबसे फेमस हैं वो हैं तो बीजू महाराज. ठीक है, ये अभी जिंदा भी हैं, मतलब बहुत पुराने नहीं हैं. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस संतूर प्लेयर. ठीक है, अब इन सभी के नाम एक जैसे ही लगेंगे कि, ठीक है, बट फिर भी हमें याद करना पड़ेगा. रवि कुमार शर्मा. ठीक है, अब ये भी म्यूजिशियन ही है, ये भी कोई कुछ ना कुछ है, जैसे रवि शंकर है, हरि प्रसाद चौरसिया है. ठीक है, ये सब इनका फील्ड सेम ही है, इन दोनों का खासकर. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ इंडिया. ओके, देखो यहाँ पे इंडिया तो आएगा नहीं, क्वेश्चन गलत है. फोक डांस ऑफ जैसे गुजरात आ सकता है, महाराष्ट्र आ सकता है. अब ये कथकली तो क्लासिकल डांस है, मणिपुरी. अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन ठीक है. ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो हमने ऑप्शन दिए ना वो अलग दिए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पे फोक डांस ऑफ इंडिया, वैसे तो फोक डांस ऑफ स्टेट होता है, इंडिया का तो कोई होता नहीं है. ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑप्शन में बाकी क्लासिकल डांस डाल दिए और एक फोक डांस डाल दिया, तो गरबा है वो फोक डांस है, बाकी सभी क्लासिकल डांस है. ठीक है, क्लासिकल डांस बहुत लिमिटेड होते हैं, फोक डांस अधिक होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर डांस ऑफ महाराष्ट्र. फॉक, अभी फॉक होता है कि मतलब जो छोटे लेवल पे, स्टेट लेवल पे. ओके, होता तो ये भी स्टेट लेवल पे है, बट इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी होती है क्लासिकल डांस की, जैसे मोहिन अट्टम, कथकली, मणिपुरी. ठीक है, और ये जनरल सा होता है जो आम लोगों के बीच बड़ा ही फेमस होता है. क्लासिकल डांस कोई आम लोग कर नहीं सकते, फॉक डांस तो होता ही है जनता के लिए, तो इसका है तमाशा. नेक्स्ट, कथक इज ए प्रिंसिपल क्लासिकल डांस ऑफ. ठीक है, तो ये आएगा नॉर्थ इंडिया. ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फॉक पॉपुलर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट इन पंजाब. भाई पंजाब में भंगड़ा ही सबसे अधिक फेमस है, यूनिवर्सिटी वगैरह में भी कराते हैं. द फेमस फॉक डांस प्रिवेलेंट इन राजस्थान, झूमर. ये वैसे एक लिस्ट बना लो फॉक डांस स्टेट. ओके, तमाशा फिर वही वापस से महाराष्ट्र. क्लासिकल डांस तमिलनाडु, ये बहुत फेमस है कि भाई तमिलनाडु में कौन सा क्लासिकल डांस. जितने भी क्लासिकल डांस है वैसे सभी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, पर अगर देखा जाए उनमें से सबसे अधिक इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है, वह है भरतनाट्यम. ठीक है, और ये ओरिजिनेट भी हुआ था तमिलनाडु में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंडियाज फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस इन 1931. देखो 1931 में ही हमने, मतलब जब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, उससे पहले जो फिल्म वगैरह है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था. ओके, तो ये थी आलम आरा. दी पांडवनी इज ए लेजेंडरी नरेटिव टू सेट टू द म्यूजिक एंड बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीचर फिल्म प्रोड्यूस इन इंडिया बाय दादा साहेब फाल्के. अब देखो जो फिल्म में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है वो, उसको बोलते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड. और दादा साहेब फाल्के अवार्ड ने एक्चुअली सबसे पहले इंडिया में फिल्म वगैरह प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था. तो उन्होंने जो सबसे पहली फिल्म बनाई थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, काफ़ी फेमस भी हुई थी. ठीक है, टेलीविजन इन इज द इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर. भाई जो टेलीविजन है वो इंडिया में किस ईयर इंट्रोड्यूस हुए थे? ठीक है, तो ये 1959 में. द फेमस फॉग फॉर्म ऑफ फॉग थिएटर इन उत्तर प्रदेश इज. भाई उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जो लोग, ये फॉग होता है जो आम लोग जिसको पसंद करते हो, उसका है नौटंकी. ठीक है, इन विच ईयर वॉज द कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस इन इंडिया. इंडिया में कलर टेलीविजन कब आया? तो ये काफी लेट आया, 1982 में.
दी लवनी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये महाराष्ट्र। ठीक है, ललित खेल एकेडमी वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, जो ललित खेल खेल अवार्ड है, एकेडमी है, ये क्यों स्टार्ट की थी? टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? देखो हमारे टोटल चार तो वेदा ही हैं, चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो जो सबसे इसमें ओल्डेस्ट है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट, बुद्धा वाज बॉर्न इन, बुद्धा कहाँ पे, जो गौतम बुद्धा है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, और ये अभी नेपाल का पार्ट है। ओके, विच स्टेट प्लेस डिड गौतम बुद्धा ड्राइव हिज फर्स्ट लेक्चर? जब उन्होंने फर्स्ट लेक्चर डिलीवर अपना किया था तो कहाँ पे किया था? ठीक है, वो अपना फर्स्ट लेक्चर उन्होंने सारनाथ में किया था, इनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तो गौतम बुद्धा अटेंड निर्वाणा, निर्वाणा उनको कहाँ पे मिली थी? बौद्ध गया में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, फतेहपुर सीकरी ऑब्वियसली अकबर ने बनाया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर। नेक्स्ट, दी हड़प्पन वर दी अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, ये सबसे पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। चाइनीज पिलग्राम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन पीरियड, वो कौन था? ठीक है, तो ये आएगा हुंग तू सांग, ऑप्शन नंबर डी। अल बरूनी कम्स टू इंडिया विद, अल बरूनी मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ इंडिया में आए थे, इन्होंने काफ़ी सारी इंडिया के बारे में बुक लिखी उस टाइम के हिसाब से, जो कि हमें खुद भी नहीं पता था, तो फिर हमने इनकी बुक्स पढ़ के पता लगाया कि भाई उस सेंचुरी में इंडिया किस टाइप का था। ठीक है, तो ये जितने भी बाहर वाले होते हैं ये इंडिया आते हैं कुछ ना कुछ मतलब नॉलेज लेके, और उसमें फिर अपनी राइटिंग्स लिखते हैं इंडिया के बारे में और फिर उसे बाहर ले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ के लोगों को भी इंडिया के बारे में पता लगता और इंडिया वालों को भी इंडिया के बारे में पता लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग लिखने की हम लोग की काफ़ी हम अच्छा लिखते थे वैदिक पीरियड में, उसके बाद भी, पर बाद में फिर हमने लिखना बंद ही कर दिया। ठीक है, वैसे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स रहे हैं बट हर टाइम पे नहीं रहे, अब ये नहीं हो सकता कि हिस्ट्री के हर काल में इंडिया में अच्छे अच्छे राइटर्स थे, उन्होंने उस चीज़ में लिखा नहीं, लिखा तो बहुत है लेकिन वो टाइम अलग अलग था। ठीक है, दी क्रॉप विच वर नॉट नोन टू वैदिक पीरियड, वैदिक लोग इनमें से किस क्रॉप के बारे में नहीं जानते थे? देखो बारले तो जानते थे, वीट के बारे में भी पता था, राइस के बारे, टोबैको के बारे में नहीं पता था, सोचो अगर पता होता तो ये इतने सारे वो थोड़े लिखते वेद वगैरह। ओके, तो फिर तो बस ऐसे ही जैसे आजकल के लोग हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीरा प्रीच देयर डॉक्ट्राइन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, रीजन होता है कि किसके राज्य में इन दोनों ने, गौतम बुद्धा और महावीरा ने, अपने जो उपदेश वगैरह दिए थे। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा राजा था जिसके टाइम भी दोनों थे? तो आंसर रहेगा बिम्बसार, इसका नाम है बिम्बसार है, बिम्बसारा मत बोलना, ठीक है, वो फिर सारा अलग हो गया, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा ऐसे होता है जैसे रामायण तो लास्ट में ये लिख देते हैं, पर उसको बोलने में नहीं बोलना, हमने रामायण नहीं बोलना है। द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया ड्यूरिंग द प्री क्रिश्चियन ईरा वॉज, प्री क्रिश्चियन मतलब कि भाई क्रिश्चियन से पहले इंडिया पे अटैक किसने किया था, इन्वेड किसने किया था? ठीक है, तो भाई ये तुम्हें पता है, इससे पहले ग्रीक्स आए थे, जैसे अलेक्जेंड्रिया आया था तो वो थे तो था तो ग्रीक से ही ना, ग्रीक में एक जगह थी जिसका नाम था मैकदूनिया, वहाँ से आया था। अकबर्स म्यूजियम इज सिचुएटेड इन, भाई ये उसका म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है? सिकंदरा में बनाया गया है। द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी नालंदा, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज द ग्रेट बंगाली स्कॉलर। ठीक है, अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड थे वो ग्रेट बंगाली स्कॉलर भी थे, वो कौन से थे? सीलभद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस लिटरेरी वर्क ऑफ ता के हिंद वॉज रिटन बाय, अब ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? ये थे अल ब्रूनी, ये भी बाहर से आए थे इंडिया घूमने और इंडिया के बारे में काफी कुछ लिख के जाते हैं, अच्छा लिखे गए थे। मतलब रेलवे वॉर इंट्रोड्यूस इन इंडिया व्हेन द गवर्नर जनरल वॉज डलहौजी। ठीक है, इन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस की थी क्योंकि भाई जब विदाउट उस टाइम पे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जब 16-17 सेंचुरी की, उस टाइम पूरे इंडिया का चक्कर काटने में, मतलब इंडिया को ट्रेवल करने में 3 महीने लगते थे। ठीक है, और रेलवे के आने के बाद इंडिया में घूमना सिर्फ 3 दिन का काम रह गया और आज 3 घंटे का। ठीक है, जब से फ्लाइट वगैरह चलने लग पड़ी है, तुम कहीं भी जाओ, वैसे तो यहाँ से दिल्ली जाने में 1 घंटा ही लगता है और डायरेक्ट फ्लाइट लोगे तो 3 घंटे लगेंगे, तुम जहाँ मर्जी चले जाओ इंडिया में, चाहे तुम नॉर्थ ईस्ट चले जाओ चाहे तो साउथ में चले जाओ। ठीक है, तो 3 महीने से आ गए हम लोग 3 घंटे पर, तब भी घूमने नहीं जाते।
हु इनिशिएट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या? देखो इसमें था कि कोई आप बच्चे को ना गोद नहीं ले सकते हो, अगर गोद तो ले सकते हो बट उसे राजा नहीं बना सकते। तो बहुत सारे ऐसे इंडिया के प्रिंस थे जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी, ठीक है, तो उसका अपना बेटा नहीं था, तो इन्होंने बोला कि हम आपको आपका राज नहीं देंगे। तो वो बोली भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फिर उसने वॉर कर दी। ओके, तो फिर रिवॉल्ट का ये मेजर कॉज था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, डलहौजी, ठीक है, इसी ने इंट्रोड्यूस किया था ये लॉ। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू स्टार्ट ट्रेड विथ इंडिया? अब इसको ऐसे भी पूछ सकते भाई, इंडिया में सबसे पहले कौन आया? ओके, तो इसमें जो बुक होती है उसमें ऑर्डर में लिखा होता है स्पेसिकली, सबसे पहले पोर्तुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फ्रेंच, इस टाइप से। ओके, सबसे पहले पोर्तुगीज ही आए थे हमारे इंडिया में। नेक्स्ट, इन विच स्क्रिप्ट वर द एडिक्ट्स ऑफ अशोका इंट्रोड्यूस इंस्क्राइब्ड? अब भाई जो अशोका ने अपनी बातें लिखी थी ना जनरल मासेस के लिए, आम लोगों के लिए, वो उसने किस स्क्रिप्ट में लिखी थी? तो उसका नाम था बामनी, ब्राह्मणी, इसको ऐसे बोल सकते हो फर्स्ट। तो ये कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं थी, आम लोगों की लैंग्वेज थी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया था, ठीक है। तो जितने भी हम लोग के वेद वगैरह थे सब संस्कृत में थे। तो जब अशोका की डेथ हो गई बहुत सालों बाद, हमें दोबारा पता ही लगा कि ये सब लिखा किसने है। फिर एक बंदा था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेस, उसने भाई दोबारा से ढूंढ निकाला कि ये ना अशोका ने लिखाया था। उसने अपना नाम भी अशोका नहीं लिखा था वहाँ पे, उसने अपना नाम ना देवनम प्रियम प्रिया दर्शनी लिख दिया था, जिसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, ठीक है, देवनम प्रियम प्रिया दर्शनी, हर एक उसके रॉक के नीचे। तो लोगों को पता ही लगा कि ये है कौन, अगर अशोका लिखा होता तो पता लग ही जाता ना। फिर पता कैसे लगा कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उनमें बहुत जगह उसका नाम देवनम प्रियम प्रिया दर्शनी लिखा था, तो वहां से हमें पता लगा। कलिंगा वॉर कब फॉट हुई थी? देखो 78 AD में, ठीक है। साका इराक कब से स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो साका, ओके, तो भाई यहाँ पे ना गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये है कि भाई ये जो ऑप्शन है ना ये यहाँ पे आनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जो कलिंगा वॉर है वो इस पीरियड में हुई थी, इधर नहीं हुई थी। ओके, तो यहाँ पे जो कलिंगा वॉर है वो है 261 BC में, इस टाइम पे ही था। और इस टाइम पे कलिंगा वॉर से पहले भी वो जो अलेक्जेंड्रिया वगैरह आया था वो भी इस टाइम पे ही आया था ना, थोड़ा सा ही फ़र्क है, मतलब 60-80 सालों का फ़र्क है, इससे दिक्कत नहीं है। और साका इरा तो बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 78 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाई अकबर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, उसने गुजरात को जीतने के बाद ही बुलंद दरवाजा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम? मनसबदारी सिस्टम देखो यहाँ पे अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, एशियाज लाइट, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया बोल देते हैं ऐसे कई बार, तो किसको बोला जाता है? बुद्धा को, बिकॉज भाई एशिया में कोई जाना जाता है, पूरे चाइना में, जापान में, कोरिया में, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, तो वो सिर्फ गौतम बुद्धा ही हैं जिनको सब लोग जानते हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान पहले, अब तो उन्होंने वो कन्वर्जन वगैरह स्टार्ट करके वहाँ पे बुद्धा का सब कुछ खत्म कर दिया, गौतम बुद्धा की मूर्ति जो बामियान में थी उसको भी तोड़ दिया गया है। और तो ये पूरे एशिया में मतलब इनको जानते थे लोग, गौतम बुद्धा को, और इनको सबसे अधिक फैलाने में हेल्प की थी अशोका ने, ठीक है, उसने सॉफ्ट पावर के जरिए पूरे मतलब एशिया में इनको, इनकी जो टीचिंग्स थी इनको प्रीच किया था। जीटी रोड किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था? लेट डाउन लेट बाय शेर शाह सूरी, ठीक है, पहले रोड्स नहीं होती थी कोई, तो इसने क्या जीटी रोड बनवा दी, तो उस टाइम पे कोई ऐसी मतलब पक्की रोड नहीं थी पर रास्ता तो था ना, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया एडवांस इन इंडिया अप टू द रिवर, अलेक्जेंड्रिया इंडिया में किस रिवर तक आया था? इसका देखो रावी, सतलुज, ब्यास, जमुना, तो ये भाई साहब ब्यास तक आए थे। इसके बाद का जो एरिया था वो था धनानंद के पास, और वहाँ से लड़ना पॉसिबल नहीं था धनानंद से उस टाइम तक, तो इसलिए उनकी जो आर्मी थी उसने रिवोल्ट कर दिया और वो यहीं से वापस चले गए। व्हाट इज 2.5 दिन का झोपड़ा? अब 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? देखो ये क्या है, एक मस्जिद है, ठीक है, बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है,
मतलब ये लोग आ रहे थे तो रास्ते में इनको प्रेयर वगैरह करनी थी, तो उन्होंने वहाँ पे फिर लड़ाई दिन का झोपड़ा बना दिया। चाणक्या वॉज ऑल्सो नोन एज, चाणक्या को किस नाम से जाना जाता है, तो इसके नाम भाई विष्णुगुप्त थे, ठीक है, कौटिल्य भी था। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, राजा राममोहन राय। ओके, द गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने ये सती प्रथा को बंद कर दिया था। द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द हाईवे, माई वे और हाईवे, ठीक है, तो वो कौन थे? तो यहाँ पर आंसर आएगा फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल टू इंट्रोड्यूस हाईवेज, लॉर्ड डलहौजी, फिर से, ठीक है। बंगाल वॉज पार्टीशन इन द ईयर, किस ईयर में बंगाल को पार्टीशन किया गया था? 1905। एक बस इसमें यही याद कर लो, कुछ नहीं याद करना है, मेडिवियल हिस्ट्री में कोई डेट नहीं याद करनी, सिर्फ एक, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे इवेंट हुए, स्वदेशी मूवमेंट चली, तुम्हें पता है, फिर 1911 में वापस इसको जोड़ दिया गया था, लेकिन तब तक जो रिवॉल्ट होनी थी वो तो हो ही चुकी थी, ठीक है, तो वापस रीयूनाइट करने का कोई खास फायदा मिला नहीं इनको, और पार्टीशन करने का नुकसान ही हुआ कुछ, बहुत डॉलर का इनको, मतलब जो लोगों ने सामान को परचेज करना बंद कर दिया था ब्रिटिश से। मुस्लिम लीग वाज फाउंड बाय नवाब सलीमुल्ला, ये बेसिकली ढाका के नवाब थे, इन्होंने ये फाइंड की थी, बाद में जिन्ना ने इसको टेक ओवर कर लिया था, ठीक है। स्वराज पार्टी किसने, सी आर दास, चित्तरंजन दास, ठीक है, और एक और नेहरू के डैडी थे तो मोतीलाल नेहरू, उन्होंने मिलके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, बाद में फिर इसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया था दोबारा से। सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम की डिमांड अली जिन्ना ने की थी, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, भाई इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो गांधी जी के कहने पर नेहरू को ही प्राइम मिनिस्टर, नेहरू जी को ही बनाया गया था। ओके, और जब हमारे इलेक्शन हुए 1952 में, तो उस टाइम पटेल की डेथ हो गई थी, तो इसलिए पटेल जी को भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सके, मतलब बन ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि तब तक जब इलेक्शन हुए तब तक तो इनकी डेथ ही हो गई थी। द इंडियन टेरिटरी अंडर द फ्रेंच पोजेशन वॉज, चंद्रनगर, ये वाला सी। ओके, ये फ्रेंच के अंडर था। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सरदार पटेल, ठीक है। बिस्मार्क एक्चुअली होता क्या है, बिस्मार्क एक पर्सन का नाम था जो जर्मनी में थे, और उन्होंने क्या किया था, जर्मनी को यूनाइट कर दिया था, जर्मनी को एक कर दिया था, जर्मनी भी इंडिया की तरह बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड था, तो अब जहाँ पे भी यूनिफिकेशन होती है, पूरे कंट्री को एक बनाना मतलब यूनिफाई करना, तो जहाँ पे भी यूनिफिकेशन होती है वहाँ वहाँ के लोगों को नाम रख देते हैं। इंडिया का यूनिफाइड किया था सरदार पटेल ने, ठीक है, काफ़ी मतलब प्रिंसली स्टेट इंडिया में सब मिला दिए थे, जैसे देखा जाए तो जब हम आज़ाद हुए थे तो 552 प्रिंसली स्टेट थे विद इन द इंडिया, छोटे मोटे रियासत वगैरह सबको मिला दिया इंडिया के अंदर ही, रियासत कर दी खत्म। ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, एक कंट्री है, इतने सारे राजा महाराजा क्या करेंगे उसमें, ठीक है। हु कॉल्ड पटेल एज सरदार पटेल फर्स्ट टाइम, ये थे नेहरू जी। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी, नेताजी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? सी आर दास, चित्तरंजन दास। जलियांवाला बाग अकर्ड एट, ये जो 1919 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में, जनरल डायर ने कराया था, क्या क्या था, पार्क में बहुत सारे लोग बैठे थे, ठीक है, जब बाग में, और वहाँ पे इन्होंने फायरिंग कर स्टार्ट कर दी थी। इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी बाज गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन रॉय वॉज ले दी फाउंडेशन ऑफ, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ठीक है, प्रार्थना समाज भी है, तुम इतना ही कर लो बहुत है। द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल अंडर द लॉर्ड कर्जन टुक प्लेस 1905, तो हो गया था। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने बोला था, लाला लाजपत राय ने, ठीक है, इनकी वजह से जो जो भगत सिंह अगर फांसी पे चढ़े थे तो वो इन्हीं के इनके ऊपर ना, इन्होंने ये पहले स्लोगन दिया बाद में क्या किया, प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक पुलिस वो जो वहाँ पे इंचार्ज था उन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया, जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटलाइज, इनके सिर में काफ़ी चोट लगी और बाद में इनकी डेथ भी हो गई उसकी वजह से।
बाद में उसका बदला लिया भगत सिंह ने। भगत सिंह ने फिर जिस पुलिस ऑफिसर ने सैंडरसन ने लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया था उसको गोली मार दी, ठीक है। और वो एक बम फोड़ा था, वो तो फोड़ा ही था, ठीक है, लाहौर असेंबली में। तो दो केसेस की वजह से भगत सिंह को फांसी हो गई थी। तो ये एक ऐसे लीडर थे जिनके लिए लोग अपनी जान तक दे सकते थे। पूछते हैं कई बारी कि भाई ऐसे किसी लीडर का नाम बताओ, हाँ, जिसकी जिसके लिए लोगों ने अपनी जान दे दी हो, जिसके लिए भगत सिंह ने अपनी जान दे दी थी, ठीक है। और ये पहले न्यूज़पेपर में भी लिखते थे आर्टिकल, इनका अपना न्यूज़पेपर था केसरी, पंजाब केसरी टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ठीक है, नमक का जो कानून है वो तोड़ने के लिए इन्होंने किया था। द फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन कैंपेन ऑफ गांधी जी स्टार्टेड इन, जो फर्स्ट कैंपेन था उन्होंने चंपारण से स्टार्ट किया था, जो कि एक बिहार में था। और वहाँ पर इन्होंने जो इंडिगो प्लांटेशन थे उनको, एक तो ब्रिटिश फोर्स करते थे कि आपने सिर्फ इंडिगो ही ग्रो करना है और कुछ ग्रो नहीं करना, ठीक है, उससे इनको आज़ादी दिलाई थी। नेक्स्ट, द रिवॉल्ट ऑफ 1875 वॉज लेड बाय नाना साहेब एट वेरी डिफिटेड। तो ये नाना साहेब कहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, इसमें क्या है कि एक कह सकते हो क्रोनोलॉजी है या एक ऑर्डर है जो हमें याद रखना है, ठीक है, कि ये जो रिवॉल्ट है ये कहाँ पे हुआ था। नाना साहेब ने मेरठ में रिवॉल्ट करवाया था, ठीक है, और नाना साहेब कानपुर में थे, ठीक है, कानपुर में, मेरठ में नहीं थे, मेरठ में तो वो सिपाही ही थे। और इसके अलावा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, ठीक है, और दिल्ली में बख्त खान, ठीक है। तो यही लोग थे जो मेन रिवोल्ट कर रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय इकबाल, ठीक है। वेयर इज द ब्लैक पगोड़ा, ओके। देखो तीन टाइप के पगोड़ा हैं जितने आज तक मैंने पढ़े, हो सकता है आगे और भी हो, ठीक है, पर तीन कौन कौन से, एक ब्लैक पगोड़ा है, व्हाइट पगोड़ा है, गोल्डन पगोड़ा है, ठीक है। गोल्डन पगोड़ा आपको म्यांमार में मिलेगा, ब्लैक पगोड़ा इंडिया में, व्हाइट पगोड़ा चाइना में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था एक्चुअली आरएएमसी में, वहाँ से पिक करके यहाँ पे लिखा गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सभी इसके ना सभी आए थे किसी ना किसी एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में, तो वहाँ से एक एक को पिक करके इधर बना दिया। विच स्टेट लेड दी प्रोडक्शन लीड इन दी प्रोडक्शन ऑफ टबैको, भाई कौन सा स्टेट है जो टबैको सबसे अधिक, तम्बाकू सबसे अधिक प्रोड्यूस करता है, वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट रिहंद डैम, ठीक है, जो रिहंद डैम है ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। विच प्लेस इन द इंडिया इज द फेमस फॉर रॉक गार्डन, चंडीगढ़, ठीक है, बनाया था नेक सिंह ने। द हीराकुंड प्रोजेक्ट ऑन दी महानदी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर है ये, उड़ीसा में, ओके। विच ऑफ द विच ऑन विच रिवर द भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ट, तो भाई भाखड़ा नंगल डैम किस रिवर के ऊपर है, सतलुज रिवर के ऊपर, ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दी लैंड लॉक्ड स्टेट, भाई लैंड लॉक्ड स्टेट वो होता है जिसके जिसके आसपास समुद्र ना लगता हो, पानी ना लगता हो, ठीक है। तो विद इन द इंडिया, देखो गुजरात में भी कोस्ट लाइन है, उड़ीसा में भी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी है, एक बिहार ही है जहाँ पे कोस्ट लाइन से नहीं मिलता, तो इसका आंसर ये बिहार होगा। विच इंडियन स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, नारियल सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तुम्हें पता ही है केरला के लोग सबसे अधिक नारियल कंज्यूम भी करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। विच स्टेट इज नोन एज द ग्रीनरी ऑफ इंडिया, ग्रीनरी का मतलब होता है जो स्टेट सबसे अधिक फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता हो, तो सबसे अधिक जो खाना प्रोड्यूस होता है वो पंजाब में ही होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे अधिक एक इनकी ऑर्डर होता है, मतलब कभी किसी किसी ईयर पंजाब में अच्छी फसल होती है, किसी में यूपी और कभी महाराष्ट्र, क्योंकि बड़े बड़े स्टेट हैं और काफ़ी अधिक इनके पास रिसोर्सेज हैं। विच इज़ दी होम ऑफ एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक लॉयन कहाँ पे मिलेगा आपको, गिर नेशनल पार्क में मिलेगा ये। विच रेशियल ग्रुप डज द ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार रिजेंबल, ठीक है, कौन सा जो रेशियल ग्रुप है वो अंडमान निकोबार में रहता है, नेग्रोइड, ओके। ये लगभग 60,000 साल पहले, 60,000 साल पहले अफ्रीका वगैरह से आए थे, चलते 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 फाइनली इनको लगा कि बस यहाँ से आगे दुनिया ख़त्म हो गई है तो हमने यहीं पे रहना है, ठीक है, क्योंकि उसके आगे वो जा ही नहीं सकते थे।
वेयर आर टोडाज फाउंड, टोडा आपको कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, तो ये तमिलनाडु में आपको मिलेंगे। दी जवाहरलाल टनल दी लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन, टनल देखो कहाँ पे मिलेगी आपको, वेस्ट बंगाल में टनल तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, टनल तो वहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे बहुत बड़ा हिली एरिया और लोगों को आने जाने की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में। द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड विच कैन रन एट ए ग्रेट स्पीड, ठीक है, तो भाई ये होगा कीवी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट विंड वेलोसिटी, देखो ये सभी के सभी क्या होता है, जो बहुत बड़ा कह सकते हैं बमंडर आता है या बहुत तेज हवाएं चलती हैं उन सभी का यही नाम है, ठीक है, तो उसमें सबसे अधिक स्पीड किसकी होती है, टॉर्नेडो की, साइक्लोन हुरिकेन टाइपून में सबसे अधिक स्पीड होती है टॉर्नेडो की। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन हैज़ द शेप ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एस, ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगी, पैसिफिक ओशन, ये चेक कर लेना, डाउटफुल है, मैप में देख लेना कौन सा एस एस बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरावली रेंज आर द एग्जाम्पल ऑफ, देखो ब्लैक माउंटेन तो है नहीं, फोल्ड माउंटेन तो है नहीं, ये रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल मतलब भाई जो तुम्हें पता है दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है, दुनिया में वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन अरावली ही है, इससे पुराना दुनिया में तुम्हें कोई माउंटेन नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो चुका है मतलब कि धीरे 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 वेदरिंग की वजह से इरोड हो गया है, ठीक है, और इरोड होने की वजह से अब यहाँ पे जाओगे ना तो लोगों ने अपने माउंटेन काट करके अपने अपने घर बना लिए, रेस्टोरेंट बना लिए, सड़कें बना दी, सोसाइटी बना दी, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना दी, ठीक है, एक दो पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगा दिया था, वैसे चलो छोड़ो सुप्रीम कोर्ट क्या ही बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सारस क्लाउड्स आर, अभी कौन से क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, इनको हाई क्लाउड्स बोलते हैं। द अर्थ टर्न थ्रू 25 आवर्स इच लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट बाई इच, जो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, तो एक इच लॉन्गिट्यूड, जो एक लॉन्गिट्यूड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लॉन्गिट्यूड आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक घंटा, 1 आवर, ठीक है, तो ऐसे मिला मिला के 24 लॉन्गिट्यूड भी हो जाएंगे और 24 आवर्स भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आवर 15 मिनट, ठीक है, तो ये सब ये एक्चुअली से रिलेटेड ही है, बट ये टाइम लगता है उसको लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है उसका भी एक किलोमीटर में भी निकालना है हमने और मिनट्स में भी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्राइम मेरिडियन पास थ्रू, कहाँ से पास करता है ये प्राइम मेरिडियन, ये करता है ग्रीनविच, GMT, कई जगह लिखा होता है GMT, मोबाइल में भी आता है ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है, ये बेसिकली लंदन से पास करता है, सबसे पहले उन्होंने कोई ज़रूरत पड़ी थी उन्होंने ही बनाया और वहीं से लंदन से पास कर दिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। वेयर इज लेक सुपीरियर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज लोकेटेड, लेक सुपीरियर कहाँ पे लोकेटेड है, देखो भाई चार ऑप्शन है, देखो इसमें से कोई आंसर बताओ, USA, ब्राज़ील, मैक्सिको, रशिया, ये आपको कनाडा लोग लेक सुपीरियर USA में मिलेगी, ठीक है, और जो वो दुनिया का सबसे बड़ा फॉल है वाटरफॉल, तो वो भी आपको USA और कनाडा में मिलेगा, एंजल फॉल जिसका नाम है, कनाडा से भी देख सकते हो, USA से भी उसको देख सकते हो। वेयर इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड, देखो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी होंगी, हिमालयाज, नहीं हिमालयाज नहीं होंगी, ठीक है, हिमालयाज हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, पूछा जाए कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज किसकी है, तो वह माउंट एवरेस्ट की 8848, ठीक है, उसकी हाइट है, और इसके बाद अगर इसमें पूछा गया लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट में आएगा एलेप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्यूरिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ, किस चीज़ के कल्टीवेशन के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, टी के लिए। एटमोस्फेयरिक प्रेशर एग्जर्ट ऑन द अर्थ इज ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल पुल, वेरी स्ट्रांग एंड कोल्ड आइस विंडली दैट ब्लो इन दी पोलर रीजन आर कॉल्ड ब्लिजर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन दी जर्मनी, जर्मनी में इनमें से कौन सी रिवर फ्लो करती है,
है डायनब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सी ऑफ ट्रैंक्वल, द सी ऑफ ट्रैंक्वलिटी इज लोकेटेड, जो सी ऑफ ट्रैंक्वलिटी है ये मून पे है बेसिकली। तुम्हें पता है अर्थ में कितना शोर, ट्रैंक्वलिटी का मतलब होता है शांति, ठीक है, तो अर्थ पे कितना शोर होता रहता है ये वो आवाज़ होती रहती है, पर मून पे जाओगे तो मून पे कोई आवाज़ नहीं आएगी। जो फर्स्ट टाइम ये लोग गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने देखा भाई क्या बात है, यहाँ तो पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है इतनी शांति में, ठीक है, तो उन्होंने उसका नाम ही रख दिया सी ऑफ ट्रैंक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेट इन इंडिया टच द बाउंड्रीज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अदर स्टेट। वेल देखो इसमें अगर उत्तर प्रदेश कंसिडर करोगे तो मच बेटर रहेगा, 8 आई थिंक स्टेट है जिनकी से उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज लगती हैं। द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज पामीर, ओके, इसका निकनेम ही है रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर प्लेटू। वाट आर डॉल ड्रम्स, डॉल ड्रम्स क्या होते हैं, ये भी भाई आर एम सी का क्वेश्चन है। लो प्रेशर बेल्ट अराउंड द इक्वेटर वेयर देयर आर वेरी लाइट विंड एंड काल्म सी, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयरिक प्रेशर इज ट्रोपोस्फियर। एस्चुरी इज, एस्चुरी क्या होती है, देखो ब्रॉड चैनल वेयर सी एंड रिवर वाटर मिंगल, ठीक है, अब ऐसे तो डेल्टा भी बनता है, ठीक है, लेकिन डेल्टा हम लोग का इधर बनेगा वेस्ट बंगाल वाली साइड, और एस्चुरी बनेगी दूसरी साइड, ठीक है, महाराष्ट्र वाली साइड। विली विली क्या है, देखो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द मोस्ट सेल्टी सी इन द वर्ल्ड डेड सी, इसका नाम ही डेड सी है, और ये दुनिया में सबसे, यहाँ पे ना कोई इंसान डूबता भी नहीं है, वैसे ही तैरते रहते हैं। द बिजिएस्ट ओशन रूट फॉर शिपिंग, तो देखो भाई सबसे अधिक बिजी जो रूट होगा वो हमेशा यूरोप में ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये क्वेश्चन ना पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, आधा लिखा हुआ है, तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्सेप्ट, यहाँ पे एक ही स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है, वो है महाराष्ट्र। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द स्विस कनाल कनेक्ट, स्विस कनाल क्या कनेक्ट है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। द लैंड दैट कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस ज्योग्राफिकल फीचर इज नोन एज रीजन। द लार्जेस्ट कैनन इन द वर्ल्ड इज, ठीक है, कौन सा होगा, ऑफ कोस्ट ऑफ अलास्का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इंडिया में सबसे अधिक कोस्ट लाइन तो है गुजरात की, पर गुजरात यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो जो सेकेंड हाइएस्ट कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, वो है आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। दी लेटीट्यूड दैट गोज अक्रॉस इंडिया, कौन सा लेटीट्यूड है जो इंडिया से पास होता है, इक्वेटर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इक्वेटर अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, पर ये इंडिया से पास नहीं करता, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही पास करता है, यहाँ पे सी आना ना था, ठीक है, ये नहीं है। द फॉरेस्ट फाउंड इन द गंगेटिक डेल्टा, कौन से फॉरेस्ट भाई, जो सुंदरबन डेल्टा में ही सबसे अधिक वो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो वाटर में भी हो और मतलब जमीन पर भी हो। रीजन वेयर एग्रीकल्चर इज कैरीड आउट इजीली, ठीक है, हिली रीजन में नहीं, प्लेटू में नहीं, प्लेन्स में यस, डिजर्ट में कम होता है एग्रीकल्चर, प्लेटू में भी बिल्कुल नहीं होता, हिली एरिया में होता है बट बहुत कम। दिस स्टेट बेस्ड टॉप इन द कल्टिवेशन ऑफ स्पीसीज इज केरला, मसाले सबसे अधिक केरला में बनाए जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप दैट ग्रो इवन इन ड्रॉट, ओएल सीड्स, ठीक है, ड्रॉट होता है सूखा पड़ना, जहाँ पे सूखा हो वहाँ पे भी कौन सा, मतलब पानी चाहिए तो पर बहुत कम। नेक्स्ट, द सेशन दैट प्रिवेल बिटवीन द मार्च एंड सेप्टेम्बर इज समर। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज रुपया। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज लेक बैकाल रशिया। वेयर इज द रेड स्क्वेयर, भाई जो रेड स्क्वेयर है काफ़ी फेमस है, यहाँ पे रेवोल्यूशन वगैरह हुई थी, और ये है हमारा रशिया में मॉस्को।
ठीक है, जो कि रशिया की कैपिटल है, विच इज़ फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी का मतलब जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, ठीक है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि ये चाइना में एक सिटी पड़ता है। चाइना में क्या, एक्चुअली तिब्बत का एक सिटी है, तो तिब्बत को कैप्चर कर लिया चाइना ने, अब वो वहाँ पे किसी को जाया ही नहीं देता। लासा। शिकागो इज नोन एज, शिकागो को हम किस लिए जानते हैं, ठीक है। तो ये विंडली सिटी, यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं। वेल नेक्स्ट 151 क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, टोटल हमने कितने करने हैं? 300। ओके चलो कोई ना, करते हैं। ओके नेक्स्ट, वेनिस ऑफ द नॉर्थ, इसको बोलते हैं स्टॉकहोम को, ठीक है। वेनिस एक बहुत अच्छा सिटी है। तो नेक्स्ट, स्कॉटलैंड इज नोन फॉर, नोन एज लैंड ऑफ केक, ठीक है। गुआना कोस्ट ऑफ अफ्रीका इज वाइट मैंस ग्रेव, उसका निक नेम है। ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज दी, देखो, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम को बोलते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप। वेयर इज द सिटी ऑफ पैलेस, कोलकाता। ओसाका इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ द ओरिएंट, ठीक है। विच इज नोन एज दी हीरिंग पॉन्ड, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा एटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ मेपल लीफ इज द निक नेम ऑफ कैनेडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लैंड ऑफ मिड नाइट सन इज द नेम गिवेन टू मिड नाइट सन, नॉर्वे। ओके, हु डिक्लेयर्ड एज द संडे, संडे सबसे पहले किसने डिक्लेयर किया था? कॉन्स्टेंटिनियन, क्योंकि संडे हॉलीडे होता है, तो पहले होता नहीं था ऐसा, बाद में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। एक दिन जाओ भगवान की प्रार्थना करो, संडे हॉलीडे इसी होता है, हॉलीडे मतलब कि भगवान की पूजा वगैरह करो, ठीक है। वेयर इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, पेरिस। हु रीच द साउथ पोल, एमंडसेन फर्स्ट, सबसे पहले यही गए थे। फ्रॉम द रॉक ऑफ, कम फ्रॉम वॉल्केनो, वॉल्केनो से जो रॉक आता है उसको बोलते क्या है? प्यूमिक स्टोन, ठीक है। वेयर कैन बी सीन हैवीएस्ट स्विमिंग इन दी वर्ल्ड, हैवीएस्ट स्विमिंग इन दी वर्ल्ड, अब इसका आंसर क्या होगा? वेयर कैन वी सी दी हैवीएस्ट, ओके, इसका आंसर है कॉलिगन, ठीक है, ये ए वाला। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर, ये आपको मिलेगा जर्मनी में, ठीक है। हु फाउंडेड द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन दी वर्ल्ड, प्लेटो ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी फाउंड की थी। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्ट, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। नेक्स्ट, बाय विच नेम इजराइली पार्लियामेंट, नेसेट, ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ ड्रेन इस्टेब्लिश्ड, इराक। वेयर इज द ये म्यूजियम कहाँ पे है? फ्रांस में है ये, ठीक है। वेयर वॉज डीजल इलेक्ट्रिक ट्रेन फर्स्ट यूज, सबसे पहले डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो कहाँ पर यूज हुई थी, ठीक है, ये स्वीडन। हु स्टार्टेड यूजिंग हैंकरचीफ फर्स्ट, इनमें से सबसे पहले किसने हैंकरचीफ फर्स्ट स्टार्ट किया था? रिचर्ड सेकेंड ने, यहाँ पे सेकेंड भी आना था। ओके, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, ठीक है, इन एन एरोप्लेन। तो भाई इंग्लिश चैनल पानी और समुद्र का नाम है जो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में है, और ये सबसे पहले एरोप्लेन से लुइस ब्लूराइट, ये जो ए ऑप्शन है, इन्होंने किया था। द जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इज नोन एज इकेबाना, ठीक है। और वहाँ की जो ड्रेस होती है उसको बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं भाई कुछ, वो भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। और जो फ्लावर अरेंजमेंट है वो तो इकेबाना हो गया, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। आगे नेक्स्ट, मॉरिस आर ओरिजिन इनहेबिटेड ऑफ, ओरिजिनल इनहेबिटेड, ये जो मॉरिस है ये ओरिजिनली इनहेबिटेड कहाँ के हैं? ये आपको मिलेंगे न्यूजीलैंड में, ठीक है। अब ये वाला हॉटेंटो रेस कहाँ पे आपको मिलेगी? ये मिलेगी आपको साउथ वेस्ट अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड नेम ऑफ बर्किन फैसो इज, द बर्किन फैसो का सबसे ओल्ड नेम क्या था? अपर वॉल्ट, ठीक है, वॉल्टा। ये है मैनो, यू आर सिटीजन ऑफ मोनेको के हैं, ठीक है। एल्थिंग इज द पार्लियामेंट ऑफ आइसलैंड। द फर्स्ट वुमेन इवेंट टू कमांड स्पेस सेटल,
एलिन एम कॉलिन, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड। भाई शुगर वॉल भी म्यांमार को बोलते हैं, इससे पहले इसको क्यूबा को बोलते थे, ठीक है। शुगर का मतलब भाई जहाँ पे सबसे अधिक गन्ने की खेती हो, ठीक है, इस टाइम पे म्यांमार, इससे पहले तो क्यूबा में ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट। भाई जहाँ पे सबसे अधिक बिजली गिर रही हो, ठीक है, थंडर बोल्ट, तो ये भूटान। सिक मैन ऑफ यूरोप इज द निक नेम फॉर, सिक मैन ऑफ यूरोप बोलते हैं टर्की को, ठीक है, क्योंकि पूरा यूरोप रिच है, बस ये कंट्री है जो गरीब है। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिड नाइट सन, ठीक है, तो भाई मिड नाइट सन किसको बोलेंगे, नॉर्वे को। ओके, विच प्लेस इज सेट टू बी दी कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये भुवनेश्वर। विच सिटी इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन पेगोड़ा, गोल्डन पेगोड़ा म्यांमार। द क्वीन ऑफ एड्रिक इज द नेम गिवन टू, क्वीन, ये किसको नाम दिया गया है, वेनिस को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो कॉफी पोर्ट साओ पॉलो, पॉला ये जो भी है। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को बोलते हैं, सबसे पहले सूरज वही निकलता है। विच कंट्री इज कॉल्ड बिहार, विच रिवर इज कॉल्ड बिहार सौरो। भाई बिहार में सबसे अधिक दुख लाने वाली जो रिवर है वो कोसी है, ठीक है, और दामोदर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। विच रिवर, विच प्लेस इज कॉल्ड एज इटरनल, ठीक है, ये भाई रोम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्बर इज नोन एज द गेटवे टू द वर्ल्ड, हैमबर्ग, ठीक है। विच सिटी इज द डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, किम्बरले साउथ अफ्रीका। द सॉ मिल ऑफ द यूरोप इज स्वीडन। द कंट्री विच इज नोन एज लैंड ऑफ मीफल लीफ, कैनेडा। विच सिटी इज नोन एज इटरनल सिटी, रोम। विच प्लेस इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ केक्स, ठीक है, तो ये हमने लैंड ऑफ केक ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये है स्कॉटलैंड। आगे 200 क्वेश्चन, विच प्लेस इज कॉल्ड व्हाइट मैंस ग्रेव, ये तो हमने पहले कर लिया, गुआना कोस्ट ये वाला। विच प्लेस इज कॉल्ड वर्ल्ड कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो किसको वर्ल्ड कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वो है साउथ अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन, ठीक है, तो ये आपको बेस लार्जेस्ट बेसिन मिलेगा अमेजोन रिवर में, जो कि है साउथ ऑफ अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एरिया भाई सबसे अधिक तो रशिया के पास ही है, ठीक है, पॉपुलेशन चाइना के पास है। द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड K2 गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, और फर्स्ट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट। द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये आएगा न्यू गुआना, ठीक है। वेयर इज द टॉलेस्ट लाइट हाउस, ये आपको जापान में मिलेगा। विच इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट पोर्ट, वर्ल्ड का सबसे अधिक बिजिएस्ट पोर्ट होगा रेटरडम एयरपोर्ट, ठीक है, ए ऑप्शन। विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। द लार्जेस्ट पेनिनजुला इन द वर्ल्ड इज, सबसे दुनिया में लार्जेस्ट अरेबिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वेटिकन सिटी। द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, भाई इनमें से तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट, जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट डैम है वो तो थ्री जॉर्ज डैम है जो चाइना के पास है, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें फाइंड किया जाए तो इनमें फिर हीराकुंड डैम आएगा, ये बाकी सभी छोटे छोटे से हैं। विच ऑफ दी लार्जेस्ट नेविगेबल रिवर इन दी वर्ल्ड, लार्जेस्ट नेविगेबल रिवर, ओके, तो ये आएगा अमेजॉन। वेयर इज दी बिगेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन दी वर्ल्ड, भाई न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे बड़ा कहाँ पे है, फ्रांस में, ठीक है। विच इज दी लॉन्गेस्ट रिवर इन दी अफ्रीका, अफ्रीका में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल, ठीक है, इसके भी दो पार्ट हैं, वाइट नाइल और ब्लू नाइल ऐसे करके कुछ है, ओके। युआन इज ए करेंसी ऑफ, युआन कहाँ की करेंसी है, चाइना की। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लाइक लेक सुपीरियर इज लोकेटेड इन, जो दुनिया में सबसे अधिक फ्रेश वाटर लेक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, सुपीरियर लेक, आपको पता ही है ये लेक सुपीरियर हमने पहले भी किया हुआ है, कैनेडा में पड़ेगी, कैनेडा और यूएसए के बॉर्डर पे ही पड़ती है, ठीक है। वेयर इज द डीपेस्ट जॉर्ज, ठीक है,
होता क्या है ये भी देख लो, ये सबसे एक्चुअली नेपाल में है, इससे पहले कहीं और था, हमें तो पता नहीं था नेपाल वाला। ओके, तो पुरानी बुक्स में कुछ अलग ही आंसर लिखा होता है। ये जॉर्ज इस टाइप से होता है जो दो ऊपर, मतलब एक छोटा सा हो उसमें भी पानी जा रहा हो, ठीक है, दो माउंटेन्स के बीच की जगह हो और उसमें भी रिवर जा रही हो, तो उसको बोलते हैं जॉर्ज। काली गंडक, ठीक है, काली गंडकी, ये नेपाल में है। विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम, यहाँ पे आ जाएगा थ्री जॉर्ज डैम, बिकॉज ये क्लियर कट आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आंसर भी क्लियर कट। विच इज़ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, वाटरफॉल सबसे पहले एंजल फॉल आएगा, इंडिया में तो जॉग फॉल आएगा, ठीक है, वर्ल्ड में एंजल फॉल। नेम द लार्जेस्ट वाटर बे बिल्ड बाई मैन इन द वर्ल्ड, स्विस कैनाल, ठीक है, दो ही तो कैनाल है जो अपने खुद से बनाई है, एक स्विस और पनामा कैनाल, ठीक है, तो उसमें से स्विस सबसे बड़ी है। वेयर इज द लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज, ओके, तो भाई सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको जापान में मिलेगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट, किंग खालिदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउटसाइड रियाद, ये ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ यूएसए कॉल्ड कांग्रेस, हमारे यहाँ पार्टी है, वहाँ पे पार्लियामेंट का नाम है, हमारे पार्लियामेंट का नाम है संसद, ठीक है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की करेंसी क्या है, बात, ठीक है, थाईलैंड की करेंसी बात ही है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इक्वेटर कैप्रिकॉन एंड ये कहाँ से पास होता है, ये होता है आपको अफ्रीका से पास करेंगे, ठीक है, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी, यहाँ पे देख लो, ये अफ्रीका, ये वाला अफ्रीका, ये तो साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया, एशिया, तो यहाँ पे अफ्रीका से ही तीनों लाइनें पास हो रही हैं, ये देखो, ये है अफ्रीका, और कोई कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है जहाँ से तीनों लाइनें पास होती हों। ओके, ठीक है, ये इक्वेटर है जो अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, कि म्यांमार की करेंसी क्या है, वो है क्यात। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेटेलाइट, सबसे अधिक सेटेलाइट कहाँ पर हैं, सैचुरन के पास हैं, ठीक है। वो डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, सी रूट किसने डिस्कवर किया था, बास्को डी गामा ने किया था 1498 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में से कौन है, सवानाज, ठीक है। मोर देन टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स टिन कम्स फ्रॉम, जो टिन है वो सबसे अधिक कहाँ से पाई जाती है, कहाँ से आती है, ये आपका आएगा। वैसे एक्सपोर्ट तो सबसे अधिक चाइना करता है, और ये आप इसको चाइना ही मान सकते हो, ठीक है, बाकी सभी छोटे छोटे कंट्रीज हैं। द टेम्पलेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड पैम्पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रियाल इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। मोनालिजा, मोनालिजा क्या एक पेंटिंग है, ठीक है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है। सोरा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट, सोरा पार्लियामेंट कहाँ का है, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, रशिया की पार्लियामेंट को ड्यूमा बोलते हैं, और यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, और जापान की पार्लियामेंट को डाइट बोलते हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग नेशन बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, भाई ये पुराना क्वेश्चन है, ये भी नहीं करेंगे, नए अभी कितने टोटल यूनाइटेड नेशन में, लगभग 196 के आसपास मेंबर्स बन चुके हैं, ठीक है, और वैसे देखा जाए तो 203 के आसपास होंगे जो अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। यूनाइटेड नेशन डे एवरी ईयर, विच डे, यूएन डे कब मनाया जाता है, ये होता है 24th of October। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ICJ, हैग्यू, नीदरलैंड में पड़ेगा आपको, ठीक है, स्ट्रीट नंबर 10 के आसपास। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये किसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी अधिक आती है, IAEA की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अभी ये क्रिएट कब हुआ था, ठीक है, 1957 को इंडिया की वजह से इसको बनाया गया था, ठीक है। इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, देखो हम लोग फाउंडिंग मतलब जब बना था 1945 में, तभी हम लोग इसके मेंबर बन चुके थे। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गेन, यूएन नेशन में कितने प्रिंसिपल ऑर्गेन होते हैं, 6, ठीक है,
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में आपको मिलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील वॉज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय? देखो ये तो नेहरू ने एडवोकेट की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, ओके, प्रधानमंत्री, और उन्होंने इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इसको अप्लाई किया था। बाद में इसको जो फेमस जब हुआ, जब इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट हुआ, बेसिकली उस इंडिया और चाइना रिलेशन में ही पंचशील सबसे अधिक आता है। ठीक है, इसमें था कि भाई हम आपके टेरिटरी में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आप हमारी टेरिटरी में मत आना। ठीक है, बस पांच ही प्रिंसिपल थे। दी हेडक्वार्टर ऑफ सार्क आपको ये मिलेगा काठमांडू, नेपाल। रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय जेएस डोरेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में आपको मिलेगा ये। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। बुकर प्राइज गिवन इन द फील्ड ऑफ? बुकर प्राइज आपको किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर, नाम से ही पता लग रहा है, बुक से रिलेटेड है। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू ए पर्सन एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट्स, वो भी उसमें अगर कोई कोच होगा तो मिलेगा, अगर कोई प्लेयर है तो उसको नहीं मिलता ये। ठीक है, नोबल प्राइज़ किसको मिला था? 2020 का नोबल प्राइज़, ये याद कर लेना, हर साल चेंज होता रहता है, जब भी तुम पेपर देने जाओगे तो उस साल जो आया होगा वही लर्न करके जाना है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड इज द नेम आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ? ये एक्चुअली मैग्सेसे अवार्ड होता है जो काफ़ी फेमस फेमस लोगों को मिला होता है, जैसे किरण बेदी को भी मिला है, रवीश कुमार को मिला है। ठीक है, ये फिलिपाइन के प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे है। द नोबल प्राइज वॉज गिवन इन द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम सबसे पहले 1901 में दिया गया था नोबल प्राइज। ठीक है, अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड नोबल नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू गेट द ऑस्कर अवार्ड वॉज भानुअतैया? ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव नोबल प्राइज फॉर हिज वर्क इन गीतांजलि, उन्होंने बुक लिखी थी, उसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू द एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ, ऑब्वियसली बात है, स्पोर्ट्स। ठीक है, हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक? ये बार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर आएगा पेरिस डी कॉम्बर्टाइन। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ IOC, ओके, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल ऑयल कॉरपोरेशन, IOC की फुल फॉर्म होती है, और इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा लाउजिन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सानिया नेहवाल इज ए फेमस प्लेयर, सानिया नेहवाल किस चीज़ में फेमस प्लेयर है? टेबल टेनिस में, गोल्फ में, लॉन टेनिस में, ठीक है, या बैडमिंटन में? तो ये हैं बैडमिंटन के प्लेयर। ओके, हाउ मैनी रिंग्स? ओलंपिक जो एम्बलम है उसमें कितने रिंग्स हैं? देखो फाइव रिंग्स हैं, ये फाइव कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलोगे सर दो कॉन्टिनेंट और कहाँ पे गए, उनमें भाई कोई लोग नहीं रहता, इसलिए हम फाइव कॉन्टिनेंट को लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेम इज दी यॉर्कर? यॉर्कर भाई क्रिकेट में होती है बॉल जो। ठीक है, वेयर डिड दी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम 1930 में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम खेले गए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस चेस में, भाई जॉकी चेस में नहीं होता, बाकी सभी चेस में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट वन इंटरनेशनल, मतलब जो वनडे इंटरनेशनल है वो सबसे पहले कब प्ले हुआ था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ये 1971 में हुआ था सबसे पहले। विद विच गेम इज द टीम टर्म बिशप एसोसिएटेड? ये किस से है? ये चेस से है। ठीक है, हाउ मेनी प्लेयर आर इन देयर इन टीम ऑफ वॉलीबॉल? वॉलीबॉल की उसमें कितने प्लेयर होते हैं? छह प्लेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज डेबिट डेबिट कप एसोसिएटेड? भाई डेबिट कप किस में मिलता है आपको? ये आपको मिलेगा टेनिस में। रणजी ट्रॉफी एंड आगा खां कप ये किससे है? भाई रणजी ट्रॉफी तो क्रिकेट में होती है, ठीक है, और आगा खां कप हॉकी में। ग्रैंड प्रिक्स इज एसोसिएटेड विद? अब जो ग्रैंड प्रिक्स है ये किससे है जुड़ा हुआ? ठीक है, ये है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विंबलडन। अब विंबलडन ऑब्वियसली टेनिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ड्रिबलिंग इनमें से किसमें नहीं होती? ड्रिबलिंग होता है जैसे बॉल को करना, ये तो ये ड्रिबलिंग आप हॉकी में भी करते हैं, ठीक है, फुटबॉल में भी, बेस बास्केटबॉल में भी, बेसबॉल में नहीं ड्रिबलिंग कर सकते, ठीक है, उसमें अलाउड नहीं होता। द टर्म बोगैसी इज एसोसिएटेड विद? अभी कहाँ से है ये आपको? एक्चुअली गोल्फ में मिलेगा। ठीक है,
ध्यानचंद नेम, अब ध्यानचंद आपको पता ही है, जो फेमस हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है, तो ये हॉकी के प्लेयर थे, इनके नाम पे अवार्ड्स हैं, काफ़ी कुछ है इनके नाम पे। फुटबॉलर इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन, फुटबॉल सबसे पहले कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। वेल, तो इसको बोला जाता है कि चाइना ने ओरिजिनेट किया था, बट बाद में बोलते नहीं, ये ब्रिटिश वालों ने इसको पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। ओके, ओरिजिनली तो चाइना में ही था। लॉन टेनिस इज सेड टू हैव द ओरिजिनेटेड इन, ठीक है, लॉन टेनिस सबसे पहले कहाँ पे ओरिजिनेटेड हुआ था, ये होता फ्रांस में। हाफ नेल्सन, ओके, ये टर्म है किससे जुड़ी हुई है, किस गेम से, हाफ नेल्सन रेसलिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी होती है फुटबॉल में। ओके, स्टेडियम ईडन गार्डन, ईडन गार्डन कोलकाता में है, प्रिंस ऑफ ईडन गार्डन उसको बोलते हैं गोंगली को, ठीक है। हु वाज मेलंकॉली, ठीक है, अभी कौन थे, ग्रेट स्कल्पचर, ठीक है। हु इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया, फर्स्ट गवर्नर, ये थी सरोजनी नायडू जो कि यूपी की गवर्नर बनी थी। नेम द पर्सन पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ये है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट टू क्रॉस एलेप्स विद द आर्मी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये थे, एक ना वॉर हुई थी जिसका नाम था प्यूनिक सेकेंड वॉर, ठीक है, और उसमें हैनीबल थे, ये एक मिलिट्री के कमांडर थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो इसको जरूर पढ़ें, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो इन चीज़ों को जरूर डिस्कस करें बच्चों के साथ, ठीक है, कि जो क्योंकि इनको बोला जाता है फादर ऑफ स्ट्रेटजी, और काफ़ी फेमस है इन्होंने प्यूनिक, इनके जो प्यूनिक वॉर फर्स्ट थी उसमें इनके डैडी थे और सेकेंड में ये थे। इन्होंने क्या किया था, एलेप्स क्रॉस कर दिया था, एलेप्स माउंटेन जो कि एशिया और यूरोप को जोड़ता है और उसको काटता भी है, मतलब डायरेक्ट एशिया से यूरोप नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ एलेप्स माउंटेन। ओके, इनमें से कौन पोलिटिशियन से जुड़ा हुआ है, ये अरविंदो घोष। हु वाज डॉक्टर सलीम अली, कौन थे ये, देखो सलीम अली बहुत ही फेमस इंडिया के, कह सकते हो बहुत अधिक फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब ये होता क्या है, ऑर्निथोलॉजिस्ट ये होता है जो बर्ड के ऊपर, पक्षी विज्ञानी इनको बोलते हैं हिंदी में, जो पक्षियों के ऊपर रिसर्च करते हैं और उनके बारे में, तो इन्होंने बेसिकली इस फील्ड को इंडिया में लेके आए और इसको फेमस बनाया, ठीक है। मरियम मोंटेसरी किस चीज़ से जुड़ी हुई है, चाइल्ड एजुकेशन से, ठीक है। मोंटेसरी कहीं कहीं पर वो भी होता है, बच्चों का ग्रुप भी होता है। हु इज कॉल्ड चाचा नेहरू जी, ठीक है, मैन ऑफ पीस, ओके, लाल बहादुर शास्त्री जी को बोलते हैं मैन ऑफ पीस। मदर टेरेसा वाज बॉर्न, कहाँ पे बॉर्न हुई थी, अल्बानिया में, ठीक है। हु वाज दी नोन एज दी लेडी विद दी लैम्प, ठीक है, भाई लेडी विद दी लैम्प फ्लोरेंस नाइटेंगल को बोलते हैं, क्योंकि ये जब भी कहीं वॉर हो रही होती थी तो वहाँ पे लैम्प लेके जाती थी, और जो बीमार थे उनको फिर कैंप में वापस लेके आते, जो बीमार क्या मतलब जो जख्मी होते थे जो लड़ाई में, जिनको बहुत, ठीक है। तो हु वाज नोन एज फ्यूरर, फ्यूरर एडोल्फ हिटलर को ही बोलते हैं, ठीक है। शेक्सपियर पॉपुलरली नोन एज बार्ड ऑफ एबन, इनका निक नेम है। हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, बिल्कुल ठीक, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ज्योमेट्री इनको बोलेंगे, यूक्लाइड को। हु इज पॉपुलरली नोन एज दी नाइट एंगल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसका निक नेम है, ये है एम एस सुभा लक्ष्मी का, ठीक है। हु इज कॉल्ड द इंडियन मैकेवेली, भाई चाणक्य कौटिल्या को ही बोलते हैं इंडिया का मैकेवेली, ठीक है। मैकेवेली बेसिकली एक पर्सन थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी दी प्रिंस, उस बुक में काफी कुछ लिखा था कि भाई जो राजा वो कैसा होना चाहिए उनके हिसाब से। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, ये थी श्रीलंका की, ओके, श्रीमती श्रीमानो बंधा कनी, ठीक है, ये श्रीलंका की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नेविगेटर टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, इसमें ये सबसे फेमस पर्सन है और इनको बोलते हैं मैगलेन, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया का सबसे पहले किसने चक्कर काटा, ठीक है, पानी वाले जहाज से। पहले लोगों को बताया था दुनिया खत्म हो जाती है, उनको लगता था कि जो ये पानी है अगर हम इसके आगे जाएंगे समुद्र के तो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। बाद में मैगलेन जब निकला तो भाई वो घूम घूम के वापस वहीं पर आ गया जहाँ से चला था, उसको पता लगा भाई ये दुनिया तो गोल है, ऐसा तो होता ही नहीं है, नीचे तो हम जा ही नहीं सकते, ठीक है। वास्को डी गामा वॉज ए, वास्को डी गामा कौन थे, ओके,
तो ये थे पोर्तुगीज एक्सप्लोरर। इंडिया में भी सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे ना, क्योंकि वास्को डी गामा आए, तो इसके बाद ये लोग आ गए। अब ये जो वुमेन है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, वेल्टिना टारास्कोबा वाज़ द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, रीच द नॉर्थ पोल, रीच द साउथ पोल, ऑल ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित पंडित वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम, क्या बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित सबसे पहले? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन में भी, ये विजय लक्ष्मी पंडित, उनको एक मतलब ये जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी, तो इनको यूनाइटेड नेशन में भी भेजा गया था, वहाँ पे भी फर्स्ट वुमेन थी फ्रॉम इंडिया टू गो इन यूनाइटेड नेशन, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बनाया गया था इनको। चाचा किसको बोलते हैं, ये तो पहले ही हो चुका है, नेहरू जी को ही बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही था, ये आज के लिए सफिशियंट है, काफ़ी क्वेश्चन हो गए 300, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वहाँ पर ज्वाइन करने। ओके, थैंक यू सो मच।